इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। आप तमाम नाजरीन का एमके न्यूज में खैर मकदम है। कुर्बानी के जानवर बेचने पर बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से लगाई गई पाबंदी। सोशल मीडिया पर बड़े जानवरों को गलत जगह फरोख करने के गलत बयानबाजी पर बहादुरपुरा पुलिस ने बड़े जानवरों को रोड पर बेचने से इनकार किया। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों को किसी को तकलीफ दिए बिना फरोख्त किया जाता है और इस साल भी उसी तरह फरोख्त किया जा रहा था, पर शहर के पुरामन माहौल को ख़राब करने के इरादे से कुछ शरपसंद अनासिर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने बड़े जानवर बेचने वालों को रोडों से हटाकर अपने घर बेचने का मशवरा दिया, जिस पर वहाँ की आवाम बरहम हो गई। एमआईएम किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा से राबता किया। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा मुकामे वाक़े पर पहुंचकर बहादुरपुरा सर्कल इंस्पेक्टर से बात की और सर्टिफिकेट भी दिखाया। बाद अजां एमआईएम याखुदपुरा एमएलए अहमद पाशा खादरी से राबता किया गया। अहमद पाशा खादरी ने भी सीआई से बात की। मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने तमाम तफसीलात बताई। सुनते हैं मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ की रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोड पर जानवर बेचा जा रहा था और बैल जानवर है, वो कोई दूसरा जानवर नहीं है। यहाँ पर आगे डिस्टर्ब हो रही थी पुलिस से कि जानवर हटा दिया जाए और यहाँ पर नहीं बेचना चाहिए। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जानवर नहीं बेचना बोल के। जो बच्चे जानवर खरीदे हैं उन्होंने ऑलरेडी डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट है खरीदे, तो परचेज का स्लिप है, सब स्लिप है। तो मैं हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि अगर ऐसा हरासमेंट होगा हमारे ऊपर तो फिर हम भी कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, तो लोग मजबूर कर दे रहे हैं हमारे। तो सी आई साहब को बोले बात भी सी आई साहब नहीं सुने कि मजबूरन मैं अहमद पाजा खादी साहब से रब्त किया। अहमद पाजा खादी साहब हमारे सी आई साहब से बात करे, बात करने के बावजूद भी सी आई साहब ने नहीं हटाना ही बोल के जिद करके ठहर गए थे। फिर अहमद पाजा खादी साहब ने एसीपी साहब से बात करके जानवर नहीं हटाए है, मगर ऐसा हमारे को पुलिस हरासमेंट करेंगी तो फिर हम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईद का त्यौहार है, हम खुशी से मनाना चाह रहे हैं और कानून के दायरे में रह के हम काम करना चाह रहे हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जानवर नहीं बेचना बोल के, ख़ासतौर पर सी आई साहब बोल रहे हैं जानवर नहीं बेचना, अंदर जाके घरों में बेच लो बोले तो घर इतने बड़े नहीं है कि जानवर रख के अपन जानवर बेच सकते, कि घर इतने छोटे छोटे के इंसान रहना खुद मुश्किल है। और जो जानवर जो रोड पर बनाया गया है वहाँ किसी को डिस्टर्ब भी नहीं है, वहाँ पर जू की दीवार है ऑलरेडी। सी आई साहब को एक बार नहीं चार बार बोले बात भी डिपार्टमेंट की गाड़ी ला के ठहराए ना, तो अगर ऐसा ठहराए तो हम कोई डरने वाले नहीं है ना घबराने वाले हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम करने वाले हैं। अगर उन्होंने बोल रहे नहीं सोशल मीडिया से कोई यूनियन कोई आदमी अगर डाला तो कोई प्रॉब्लम होता हो तो उन्हें हरासमेंट कर रहा खुला, क्या कानून में नहीं है क्या बेचना जानवर बोल के? आप उसके ऊपर एक्शन लो, नहीं मैं इनके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ बोले तो, अगर उन्होंने इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं तो फिर हम भी कानून को देख के हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे अगर ऐसा होता तो। मगर जानवर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हटेगा और जानवर इसी जगह पे ठहर के परचेज होगा, इसलिए कि कोई जानवर चोरी से लाए तो जानवर नहीं है ना कोई गलत जानवर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जानवर है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है और परचेज है इनके ने ऑलरेडी इन्होंने बतलाए हुए है। सी आई साहब को भी बतला दिए, पूरे डिपार्टमेंट को भी बतलाए बात नहीं फिर गाड़ी हटा फिर हटाना बोले तो नहीं हटता हो, जानवर यहीं रहता जो केस अगर बुक कर सकते हैं तो उन्होंने करिए कानूनी दायरे में हम भी कबूल करते हैं। बड़ा जानवर काटने का हुकूमत की तरफ से तो ये है एक परमिशन है कि बड़ा जानवर काट सकते हैं। बहादुरपुरा पुलिस क्यों इसके अंदर पुलिस उसको साथ देने का पुलिस को तो माहौल खराब कर रही है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सी आई साहब बोल रहे हैं कि रोड पे नहीं बेचना बोल के, ऐसा कोई कानून नहीं है रोड पे नहीं बेचना घर में बेचना बोल के। अगर रोड पे बेच रहे हैं तो कहीं आजू बाजू किसी को डिस्टर्ब है तो हम खुद बोलते हैं कि वहाँ पर गलत जगह है बोल के, वो जगह ऐसी है किसी को आजू बाजू डिस्टर्ब नहीं है ना किसी का घर है वहाँ पर, और रोड बड़ी है रोड के किनारे ठहर के बेच रहे हैं लोग। मैं यहाँ आकर देखा अल्हम्दुलिल्लाह अहमद पाजा खादी साहब भी से एसीपी साहब से बात करें, जानवर कोने में ठहर के बिक रहा है और बराबर बिकेगा जानवर, अगर कोई रोकने की कोशिश करेंगे तो हम हायर ऑफिसर से काम लेंगे। फिर सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि आजू बाजू वालों को किसी को परेशान ना होगी, खाली बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से हो रहा है, पुलिस कुछ शारी के माहौल खराब करने का वो तो नहीं मालूम। मर सी आई साहब खास तौर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जानवर हटना बोल के, हालांकि डायरेक्ट अहमद पाजा खाजी साहब भी रद्द करे बात भी उन्हों फिर स्पॉट पे आके बात करे तो फिर एसीपी साहब से अहमद पाजा खाजी साहब बात करे, एसीपी साहब उनको कुछ बोले उन्होंने काम ही बढ़े, अगर उन्होंने हटा बोले तो भी हम नहीं हटाएंगे, इसलिए कि कोई कानूनी काम कर रहे हैं हम, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं ना हम कोई गैर कानूनी काम करने देंगे हमारे यहाँ पर। सब रात देर तक जानवर बेचने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, 12 बजे इसके बाद नहीं बेचने बंकरा दे रहे हैं बल्कि भी बोल रहे हैं।
अगर कोई आ रहे हैं तो रात के 2-4 दिन, इससे 1-2 दिन पहले अगर है तो भेज सकते हैं। रात में अगर जो है तो जल्दी बंद कर लो, सुबह में भेजने की कोशिश कर लो आप लोग। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो अपन टाइमिंग मेंटेन कर लो, फिर क्या करना है। मगर दिन में आके उन्होंने 8 बजे से तंग कर दे रही, जानवर नहीं डरा ना नहीं भेजना बोले तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है। हाँ, रात के 12 बजे के बाद बोले तो हम भी फॉलो करेंगे उस चीज़ को, मगर टाइम से पहले अगर उन्होंने बोल रही नहीं भेजना करना बोले तो बराबर हम भेजेंगे।